वेलकम बैक फ्रेंड्स। पार्ट 7 के अंदर हम आ चुके हैं और इसके अंदर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट का। पहले हम इसका मेथड और प्लानिंग समझेंगे कि क्या प्लानिंग है क्वेश्चन को करने की, और प्लानिंग के बाद हम फाइनली करेंगे इसको कंस्ट्रक्शन के स्टेप से, ठीक है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि क्या करना है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पे आपको एक 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करना है और इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आपको सर्कल ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है कि इस सर्कल, ये जो सर्कल है, इस सर्कल से इस सर्कल पे, सर्कल के सेंटर पर, मतलब इस सर्कल से इस सर्कल के सेंटर पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे, राइट। और सेम इस सर्कल से इस सर्कल के सेंटर पर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे, जैसे अब मैं आपको रेड से दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है। मतलब दोनों सर्कल से एक दूसरे के सेंटर से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से डिजाइन बनेगी, डिजाइन नहीं बोल सकते हम इसको, ये कंस्ट्रक्शन है। तो आपको इस तरीके से कंस्ट्रक्शन रेडी करना है, तो मैं आपको बता दूं कैसे करना है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, ज्वाइन हो जाइए, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। मैं जूम इन कर लेता हूँ वापस ताकि आपको वर्क प्लेस दिखाइए। ओके फाइन। अब मैं सबसे पहले ये जो 8 सेंटीमीटर की लाइन थी वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा स्लैंटिंग ड्रॉ करूँगा ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए। 8 सेंटीमीटर आप अपने पेज के एकदम सेंटर में ड्रॉ कीजिए क्योंकि वहाँ से दो सर्कल भी बनने वाले हैं। तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, राइट। ओके अब ये मेरा पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी हो जाएगा, राइट। पॉइंट ए पर मुझे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो ये मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया 4 सेंटीमीटर और यहाँ से मैंने एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट वाला एक सर्कल ड्रॉ होकर रेडी हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पे आपको पॉइंट बी से 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना था। मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेता हूँ और यहाँ से मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सर्कल को क्या कर ड्रॉ करते वक्त सिर्फ कंपास की टिप पकड़नी है, और मैं तो दो हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एक हाथ से ही सर्कल को ड्रॉ कर दें, राइट। फाइनली हमारे पास दो सर्कल रेडी हो चुके हैं। ये है हमारा 4 सेंटीमीटर वाला सर्कल, r = 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है, मुझे इस सर्कल से दो आर्क ऐसे लगाने हैं और इस सर्कल से दो आर्क ऐसे लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो ए बी है इसको मैं बाइसेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं ए बी का मेजरमेंट लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, बट 8 सेंटीमीटर का मैं आर्क ऊपर और नीचे लगाऊंगा तो ये नोटबुक में आएगा नहीं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मोर देन हाफ,
आधे से ज़्यादा का मेजरमेंट लेते हो तो भी आपका बाइसेक्ट करेक्ट आएगा। तो मैं मोर देन हाफ थोड़ा सा इसको डिक्रीज कर लेता हूँ, मोर देन हाफ इट इज़ ये इनफ है, इतना आर्क मेरे नोटबुक में आ भी जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक आर्क लगा दिया है, ओके, और सेम मैं यहाँ से भी एक आर्क लगा लेता हूँ, ओके ओके। तो इस तरीके से आपको दो आर्क मिल चुके हैं, उस दो आर्क से मैं यहाँ पे क्लिप लगा देता हूँ ताकि ये पेज बार बार उड़ ना जाए। अब एक हल्की सी लाइन दो आर्क से पास करनी है, हल्की सी लाइन, बहुत ही हल्की हल्की लाइन, लाइट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। चलिए ये ड्रॉ हो गई लाइट लाइन, ये बिल्कुल यहाँ को टच कर रही है, ठीक है। तो मैं इसको रेड से दिखाता हूँ ताकि ये ज़्यादा आपको दिखाई दे अच्छी तरीके से। देखिए ये पॉइंट मुझे मिला है और ये पॉइंट है वो मेरा ए बी का मिड पॉइंट है। तो मैं इसका मेजरमेंट लेके, देखिए इस पॉइंट के ऊपर स्टील का पॉइंट रख दिया मैंने और इस ए का मेजरमेंट ले लिया, ओके। अब मैं यहाँ से एक सर्कल बना रहा हूँ, ये थर्ड वाला सर्कल बना रहा हूँ, चलिए। अब मुझे ये सर्कल बनाने से मुझे चार डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखो एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिला है और चौथा फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पे मिला है, ठीक है। अब आपको मालूम ही है कि आपको ये जो सर्कल है इसका टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करना था, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ से भी मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके। तो इस तरीके से आपको सर्कल वन के टेंजेंट मिल गए, ये मैं देता हूँ पी वन एंड पी टू, ठीक है। सिमिलरली मैं रेड पेन से ये सर्कल के टेंजेंट को शो करता हूँ, तो इसका पॉइंट ये रहा और ये वाला पॉइंट इसके सेंटर से टच करेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्ट कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने सेंटर को कनेक्ट कर दिया है और ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। रेड वाले हैं वो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल के आर्क टेंजेंट हैं, और जो पेंसिल वाले हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ Q1 एंड Q2। सो आपको दिख ही रहा होगा, नोटबुक को मैं घुमा देता हूँ और हो सके तो मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जूम जूम जूम, ओके फाइन फाइन फाइन, ओके। तो यहाँ पे Q1 A, फिर से दिखाता हूँ आपको मैं, Q1 A एंड Q2 A इज अ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल एंड BP2 एंड BP1 इज अ टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो देखा आपने, हमने जो रफ डायग्राम बनाई थी पहले, उसमें जो डायग्राम में जो टेंजेंट बने थे वैसे ही टेंजेंट बनके रेडी हो चुके हैं। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसकी ढेरों प्रैक्टिस करें, यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेंजेंट है, ज़्यादा इतना लॉजिक है नहीं, स्कोरिंग टॉपिक है, तो इसमें तो आपके मार्क्स बनने ही चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।